जीडीए बोर्ड की 122वीं बैठक में महायोजना 2031 पर अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सभागार में साकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जीडीए महायोजना की बैठक की गई है। महायोजना को बोर्ड के समक्ष रखा गया है। बोर्ड के सभी मेंबर को प्रस्ताव दे दिया गया है। नागरिकों के जानकारी के लिए मीडिया में पब्लिश भी किया जाएगा, जिससे वे पब्लिक अपना सुझाव दे सके, उनके सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड मेंबर के सुझाव को भी दोबारा बोर्ड में रखकर पास रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि महायोजना में मुख्य रूप से बोर्ड में जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल को लैंड देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है, और जो बस स्टैंड है किस तरह से शहर के बाहर व्यवस्थित किए जाएं, जो मुख्य सड़कें हैं उस पर बाजार लगाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। इसलिए सभी लोग अपना अपना सुझाव दें, जिससे बोर्ड में रख कर पास किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, DFO विकास यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल हमारे बीच में उपस्थित है, माननीय जिलाधिकारी महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, जो माननीय अधिकारी लोग, मैं अध्यक्ष महोदय जनमत से सभी मेंबर्स हस्ताक्षर करा लिए ना। इसकी अनुपालन आख्या है, मैं गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के मध्य 5 एकड़ होटल एवं ऑडिटोरियम हेतु आरक्षित रिक्त रूम एवं चंपा देवी निर्मिकुंज के पश्चिम इंदिरा नगर प्राइवेट कॉलोनी से सटे 4 एकड़ पुलिस स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि के भू उपयोग खुले स्तर पार्क के रूप में आवासीय किए जाने के संबंध में पहले नहीं कर पा रहा है, तो इसका संचालन प्राधिकरण से कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय की ओर से पर्यटन विभाग को पत्र प्रेषित कराया जाए। वो पत्र प्रेषित किया गया है सर, चला गया। हाँ गया। रामगढ़ ताल परियोजना गोरखपुर के अंतर्गत मेसर्स जालान कॉम्प्लेक्स प्राइवेट तैयार किए जाने की दृष्टि से देख लें, जिससे ग्रीन बेल्ट गोरखपुर के लिए तैयार हो जाए। इस संबंध में सौंप दिया गया है कार्य, तो आप क्या स्थिति क्या है सर, और उसके बदले में 4 अदद वाहन क्रय किए जाने के संबंध में था, तो किराए पर ले लिया गया सर, डॉक्टर उसका हो गया अनुभव। रामगढ़ ताल परियोजना के अंतर्गत गौतम विहार आवासीय योजना, इसका हम अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं सर। गौतम विहार आवासीय योजना एवं गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के मध्य प्राधिकरण की 5 एकड़ मोटल एवं ऑडिटोरियम है, स्वारा क्षेत्र रिक्त भूम चंपा देवी पार्क नीर निकुंज के पश्चिम इंदिरा नगर प्राइवेट कॉलोनी से सटे 4 एकड़ पुलिस स्टेशन है, स्वारा क्षेत्र भूम का भूपयोग खुले स्थल पार्क आवासीय किए जाने के संबंध में इस संबंध में निर्देशित किया गया कि प्रसंगत स्थल पर पार्किंग एरिया प्राधिकरण अथवा प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा विकसित योजनाओं में भूखंडों के विभाजन किए जाने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत जिन आवंटियों द्वारा पैसेज की भूमि का उपयोग किया जा रहा है, निर्देशानुसार उक्त पैसेज की भूमि आवंटियों के पक्ष में आवंटित किए जाने के संबंध में इस संबंध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियंता नगर निगम गोरखपुर, सहायक नगर नियोजक गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा गोरखपुर बोर्ड के एक नामित सदस्य की एक कमेटी
गठित की गई जो अस्थल की जांच कर अपने यहाँ के आगामी बोर्ड गठित उसका ट्रांसफर हो गया था, वो नहीं उपस्थित हो पाए थे। ताकि सब समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उद्भिद 1988 पत्र का स्मारक करते हुए उसकी पहले पत्र गया था। देखिए आज जीडीए बोर्ड की बैठक की गई थी मास्टर प्लान के लिए, और जो हमारे कंसल्टेंट ने मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है उसको आज बोर्ड के समक्ष रखा गया है। सभी मेंबर्स को जो प्रस्ताव है पूरा दे दिया गया है, और साथ ही में पब्लिक के जानकारी हेतु इसको पब्लिश भी किया जाएगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको पब्लिश कर दिया जाएगा, इससे पब्लिक उसको देखेगी और जो भी उनका सुझाव होगा वो उस पर दे पाएगी। तो सभी सुझावों को, बोर्ड मेंबर को सुझावों को लेकर इसको पुनः बोर्ड में रखा जाएगा अनुमोदन करने के लिए। मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें रखी गई? अब जो मुख्य रूप से इसमें यही है कि जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं उसमें किस तरह से रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल इत्यादि लैंड यूज़ देने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ये भी प्रस्ताव किया गया है कि जो जिस तरह से बस स्टेशन है या वेयर हाउस वगैरह आने हैं वो किस तरह से शहर के बाहर अलग अलग जगह उसको व्यवस्थित किया जाए। जो भी मुख्य सड़कें हैं उस पर बाजार स्ट्रीट और मिक्स लैंड यूज़ का प्रावधान है। जो हाईवे है उस पर हाईवे फैसिलिटी जोन का प्रावधान है। इसी तरह से इंटरटेनमेंट जोन इत्यादि बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए हैं। आप लोगों को भी इसका प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाएगा 2-4 दिन में, तो उससे सभी को जानकारी हो जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से सभी से यही निवेदन रहेगा कि इसमें अपना सुझाव दे दें ताकि इसको जल्दी से लागू कर दिया जाए।